ऐसा गलती हम लोग से हुआ है जिसको सुधारना बहुत मुश्किल है रेलवे में। ये तो ट्रैक हो गया जिसपे ट्रेन जाएगी। अब जब ये स्टेशन पे घुसती है ना, अब यहाँ से ये लूप लाइन में जाती है। VIP ट्रेन है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे ले, पैसेंजर 22 नंबर प्लेटफॉर्म, जो ऐसा ऐसा बीच वाले स्टेशन पे उसको रुकना ही नहीं दिया जाता है, स्टॉपेज नहीं दिया जाता है। कहा रेलवे पे ना ओवरलोड बहुत ज्यादा है, रेलवे में क्या है ओवरलोडिंग के सिस्टम ज्यादा है। और एक और मतलब कई समस्या है भाई, जनसंख्या भी तो हम लोग की एकदम भयानक है। और हम लोग ने एक बहुत ऐसा गलती हम लोग से हुआ है जिसको सुधारना बहुत मुश्किल है रेलवे में। जो आप लोग जैसे रेलवे का जो ट्रैक होता है ना, ब्लॉक सेक्शन, ये तो ट्रैक हो गया जिसमें ट्रेन जाएगी। अब जब ये स्टेशन पे घुसती है ना, अब यहाँ से ये लूप लाइन में जाती है, यहाँ से ये लूप लाइन में चली गई, और ये एक मेन लाइन निकल जाता है, लूप लाइन में निकल गई। अब बाद में ये लूप लाइन फिर जाके किस में मिलता है, मेन लाइन में मिल जाता है। ये लूप लाइन देख रहे हैं ना, इतने दूर का काम है स्टेशन मास्टर का। बिचवा में कौन ट्रेन है ओकरो नहीं पता है, कौन ट्रेन यहाँ है उसको नहीं पता है। यहाँ पर एक आउटर सिग्नल चालू होता है, समझा गया, इसमें कोई को बत्ती रहता है, आउटर सिग्नल के अंदर स्टेशन मास्टर को ट्रेन दे दिया जाता है, कंट्रोलर आएगा और ट्रेन दे देगा यहाँ पर। इससे पहले वाले बैच में बहुत सारे लड़के हैं जो इसमें SM हो गए या फिर ट्रेवलिंग अप्रेंटिस वगैरह, उन लोग का यही सब काम रहता है। ट्रेन यहाँ से लाएगा और इस पे छोड़ देगा। अब ये स्टेशन मास्टर का काम है कि ये आउटर सिग्नल से अंदर उसे किस लूप लाइन पे लेना है। मालगाड़ी है तो साइड में फेंक दे, VIP ट्रेन है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे ले, राजधानी दुरंतो ये सब कोई एक दो पे लेता है, सब बढ़िया बढ़िया ट्रेन है, पैसेंजर 22 नंबर प्लेटफॉर्म जो सोच रहा ऊपर मतलब पैसेंजर को अक्सर देखेंगे ना सबसे रिजेक्टेड लाइन पे फेंक देता है, यहाँ पे एकदम आखिरी में फेंकेगा, यहाँ पे दौड़ते रहो लोग वहां पे। तो VIP ट्रेन को यहाँ देता है। अब हुआ क्या कि हमारे यहाँ जितने लूप लाइन है ना, उसमें ज्यादातर लूप लाइन 700 मीटर के हैं, यानी लूप लाइन कितना है 700 मीटर का, यानी 700 मीटर से ज्यादा ट्रेन वाले हैं ना, तो हो सकता है कि ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है लेकिन इस ट्रेन का इंजन यहाँ है, ठीक है, और इसका पिछला चकवा यहाँ आ जाएगा, पिछला डब्यू, तो इस सोचा खड़ा है एक ऊपर और डिस्टर्ब करेगा तीन गो को। अब पता चला उसी में स्टेशन मास्टर का दिया, हाँ एक काम कीजिए आप लेकर चल जाइए चार नंबर, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आप दो नंबर पे लेकर चलिए। कहा ठीक है सर, हम ला रहे हैं दो नंबर पे, धक 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 धाए मार दिया, रे ससुरा तो नहीं लड़ गया यहाँ पर। इसलिए ट्रेन की पटरियों पे आप देखते होंगे फॉलिंग मार्क्स लिखा रहता है, FM, देखिएगा एक जगह सफेद पट्टी पे क्या लिखा है, मतलब ट्रेन को उसके अंदर लेना है। तो हमारे यहाँ जब ट्रेन की शुरुआत हो रही थी ना, तो औसतन 700 मीटर के हम लोगों ने क्या रख रखा है लूप लाइन, इसलिए मजबूरी में उससे लंबी ट्रेन नहीं रख सकते। कुछ ट्रेनें उससे लंबी हैं तो ऐसा ऐसा बीच वाले स्टेशन पे उसको रुकना ही नहीं दिया जाता है, स्टॉपेज नहीं दिया जाता है। कहे कि वो वहां रुकेगी तो मेन लाइन पे चलाएगी, रुकेगी लूप लाइन पे चलाएगी मेन लाइन। तो कुछ ट्रेनें हैं लंबी लेकिन उसके हिसाब से हर एक प्लेटफॉर्म नहीं है। तो बढ़ती ट्रेन के डिमांड को दूर करने का एक ये सिंपल रास्ता था कि बॉगी की संख्या बढ़ा दे। अरे ट्रेन नहीं ना बढ़ा सकते हैं, एक के में 200 डिब्बा जोड़ दे, मैंने 200 नहीं मतलब 60 को जोड़ दे, मालगाड़ी इतना 70 को जोड़ दे, ज्यादा मालगाड़ी का भी डिब्बा छोटा होता है लेकिन लंबैया ओवरऑल इतने रहेगी, तो ज्यादा जोड़ सकते थे। तो इससे एक नॉर्मल सा उपाय हो सकता था, अमूमन 5 को बॉगी बढ़ गया मतलब आधा ट्रेन बढ़ गया, लेकिन बढ़ाएंगे तो पूरे इंडिया से क्या बढ़ाना पड़ेगा, लूप लाइन बढ़ाना पड़ेगा, समझा गया कि नहीं गया। अब आप कहिएगा तो सबका बढ़ाने की क्या जरूरत है, मेन स्टेशन का लूप लाइन बढ़ा दीजिए, जैसे लखनऊ कानपुर पटना गोरखपुर आगरा इसका बढ़ा दीजिए, तो ठीक है चलिए बढ़ा देते हैं। आप केवल सोच लिए हैं रुकने की स्थिति में कि गोरखपुर में ये खड़ी हो सकती है, उसका लूप लाइन बढ़ा, मान के चलिए गोरखपुर से पहले चौरी चौरा रेलवे स्टेशन है और वहां कोई इमरजेंसी आया जिसपे ट्रेन को मतलब आगे नहीं भेज सकते हैं, लूप लाइन पे खड़ा करना पड़ेगा, अब वहां फंस जाएगा। और नहीं तो मेन लाइन पे खड़ा कीजिए, मेन लाइन पे खड़ा कर दिए पूरा ट्रेनें रुक गई, और लूप लाइन पे ले गए तो लूप लाइन छोड़ के किस पे चलाएगी, मेन लाइन। अब इसके लिए पूरे हिंदुस्तान का ससुरा प्लेटफॉर्म को घींच घींच के बड़ा करना पड़ेगा, लूप लाइन करना पड़ेगा। और प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन बसे हैं सब 50 साल पुराने और वहां की जमीन बहुत महंगी हो गई है। अब सरकार जमीन खरीदने जाएगी क्योंकि एक्स्ट्रा जमीन थोड़ा बहुत रेलवे रखती है, ज्यादा बड़ा करने में ज्यादा। अब वो भारत में लोगों को देखिए ना, जहां जमीन लेने जाएंगे, हमारा जमीन लेंगे, हमको मुआवजा चाहिए, बेटा को लोको पायलट बताइए, दामाद को स्टेशन मास्टर, पतों को TT।
पूरा खानदान हटा देगा उसमें एक कट्टा जमीन देने के लिए। तो हमारे एक ये भी समस्या, और उन किसानों की भी समस्या, सरकार भी उन्हें ठग देती है कभी कभी, आधे पैसा देके बाकी आधा 10 साल लटका देती है। तो दोनों की समस्या है कि नहीं यहाँ पे, तो किसान की ओर से कुल गऊंगा वाला ही कोट जाता ना दे तो सड़क कभी कभी हो जाता है सड़के वो। ये सबसे भयंकर समस्या बिहार में है। बिहार में कोई कंपनी आती है तो सरकार से पूछती है आपके बियाडा के पास कोई जमीन है, सरकारी कंपनी है बियाडा जो जमीन ले लेती है उससे आप ले सकते हैं, कुछ जमीन है तो उसके बाद बहुत कम जमीन बचल है, कहते नहीं नहीं किसान से खरीद लीजिए। कहता है जय हो भैया हमारे फैक्ट्री ना लगते हो। किसान से खरीदना हमारे यहाँ बहुत टाइप का है, कोई बेचना चाहेगा कोई नहीं बेचना चाहेगा। तो बिहार में अगर बस इतना सरकार कर दे कि आपको जमीन चाहिए कितना 80 बीघा, तो सरकार को पैसा दीजिए, सरकार वो क्लियर उलियर करा के सरकार आपको थमा दे, कुछ कमीशन सरकार ले ले, सरकार को भी प्रॉफिट, उसको भी दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री। वो जाता है सोच रहा फैक्ट्री खोल के फंस जाता है जमीन में मुकदमा ली हो, कब कपारों पर फूट जाता है उसका। तो हमारे यहाँ रेलवे की कई मूलभूत समस्याएं हैं, रेलवे उन सबसे जूझ रहा है, धीरे धीरे सुधार हो ही रही है रेलवे में। तो RRB के तो समझ में आ गया।